आपका 12th क्लास के जो बोर्ड का क्वेश्चन पेपर होगा उसमें से क्वेश्चन नंबर 7 जो होगा उसमें आपको एक प्रेसी राइटिंग आएगा या आपको एक कॉम्प्रिहेंशन आएगा। कॉम्प्रिहेंशन में आपको 4 क्वेश्चंस दिए होंगे और प्रत्येक क्वेश्चन में एक नंबर आपको मिलेगा। और प्रेसी राइटिंग जो प्रेसी राइटिंग है जिसको PERECIS प्रेसी बोलते हैं, प्रेसी राइटिंग, उसमें से हमको उसको 1/3 करके हमको लिखना होगा और लिखने के साथ साथ हमको एक टाइटल का भी हमको सिलेक्शन करना होगा। और अगर हम उसको नहीं लिखते हैं तो हमको कॉम्प्रिहेंशन राइटिंग मीन्स हमको एक पैराग्राफ दिया रहेगा, उस पैराग्राफ को बहुत ध्यान से पढ़ना है, केयरफुली पढ़ना है। और केयरफुली पढ़ने के बाद हमको कुछ क्वेश्चंस हमको दिए रहेंगे, उन 4 क्वेश्चंस का हमको आंसर देना है। उन 4 क्वेश्चंस का आंसर देने के बाद हमको प्रत्येक क्वेश्चन में 1-1 मार्क्स मिलेगा, मीन्स 4 मार्क्स। और ये जो क्वेश्चन का सबसे लास्ट क्वेश्चन होगा, और आप इस चीज़ को हम लोग देख लेंगे एक बार। तो चलिए दोस्तों, आप वेलकम टू ब्लू पेन ब्लू मार्कर। हम इसको जो आज का जो सेशन है इसमें कॉम्प्रिहेंशन लिखना सीखेंगे, और किस तरह से लिखेंगे आपको पूरी तरह से हम लोग ध्यान से इस चीज़ को बताएंगे। लिखने का तरीका बहुत आसान है, बहुत ही सिंपल है। एक बार हमको समझ में आ जाना चाहिए कि हम उसको लिखेंगे कैसे और किस तरह से हम क्वेश्चंस को पकड़ेंगे। सिर्फ पढ़ लेना या पढ़कर चले जाना बहुत बड़ी बात नहीं है। तो हम कैसे पकड़ेंगे, किस तरह पकड़ेंगे, चलिए हम लोग शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, हमने पहले ही आपको टाइम बचाने के लिए हमने पहले से इसको लिख रखा है, क्योंकि इसको लिखने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, इसलिए हमने इसको पहले से लिखा है। और देखिए यह है क्या, ये कॉम्प्रिहेंशन है। कॉम्प्रिहेंशन में से आपको एक एक्सट्रैक्ट दिया लिखा हुआ है, रीड द एक्सट्रैक्ट केयरफुल्ली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। कहता है कि आप इस एक्सट्रैक्ट को, ये जो आपको हिस्सा दिया हुआ है, इस पार्ट को आप बहुत केयरफुली पढ़िए, सावधानीपूर्वक पढ़िए, और जो क्वेश्चंस इसको फॉलो करते हैं, इसके बाद जो आते हैं, जो फॉलोइंग क्वेश्चंस हैं, उसका आप आंसर दीजिए। और जितना भी आपसे बन सके आंसर दीजिए। 1-1 मार्क्स का है, आए 4 क्वेश्चंस हैं, आपको दिख रहा होगा 4 क्वेश्चंस हैं, उसको 4 नंबर आपको अलॉटेड हैं, आपको यहाँ लिखा हुआ है 4 मार्क्स। और ये आपके क्वेश्चन पेपर का सबसे लास्ट क्वेश्चन 7th क्वेश्चन होगा, और इसमें ऑप्शन भी होगा। इसको हम प्रेसी राइटिंग बोलते हैं, बट प्रेसी राइटिंग से जहाँ तक मैं समझता हूँ कि प्रेसी राइटिंग से ज़्यादा अच्छा है कि आप कॉम्प्रिहेंशन ही करें। हम लोग प्रेसी राइटिंग के बारे में भी बात करेंगे अगले वीडियो में। तो चलिए हम लोग इसको किस तरह से टैकल करेंगे इसको हम लोग देख लेते हैं। ओके, देखिए दोस्तों, सबसे बड़ी बात है कि ये जो आपको प्रेसी जो ये जो आपको एक्सट्रैक्ट दिया हुआ है, ये जो आपको पैराग्राफ दिया हुआ है, इसका आपको पढ़ना पहले नहीं है। आप पहले इसको नहीं पढ़ेंगे। आप रिमेंबर, अगर आप मेरी बात माने तो पहले नहीं पढ़ेंगे, अगर आप मेरी बात नहीं माने तो आप पढ़ेंगे, जो करना है सो करेंगे, मुझे पता नहीं। बट मेरे कहना ये है कि आप इसको पहले ना पढ़ें। क्यों? आप बोले सर क्यों नहीं पढ़ें, आप तो पढ़ने से ही मना कर रहे हैं। हम इसलिए मना कर रहे हैं पढ़ने से कि सबसे पहले आप इसके नीचे जो 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं उन क्वेश्चंस को पढ़िए, उन क्वेश्चंस को माइंड में रखिए, और फिर पढ़िए और कलम लीजिए और टिक लगाते जाइए। जहां जहां आपको ये चीज दिख जाए वहां टिक लगाइए, और तब के तब उसका आप आंसर लिख लीजिए। हम लोग कैसे करेंगे देखिए। सबसे पहले हम इस एक्सट्रैक्ट को नहीं पढ़ते। ओके, तो फिर करते क्या, हम सबसे पहले क्वेश्चंस पढ़ते। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 1, When and why did Arundhati Roy win the Booker Prize? When and why, कब और क्यों Arundhati Roy ने Booker Prize जीता था, कब और क्यों? क्वेश्चन नंबर 2, सारे क्वेश्चन हम लोग पढ़ लेंगे। राइट हर फैमिलियल बैकग्राउंड एंड प्लेस ऑफ बर्थ। कहते Arundhati Roy का फैमिलियल बैकग्राउंड, उसके फैमिली बैकग्राउंड क्या था, उसके माँ बाप कौन थे, कहाँ से थे, क्या क्या करते थे, और उसका प्लेस ऑफ बर्थ, वो पैदा कहाँ, किस स्थान पर हुई थी। चलिए तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों, व्हेन डिड शी बिगिन हर फिल्म करियर। उसने अपने फिल्म की शुरुआत, अपने फिल्मी करियर की शुरुआत कहाँ से की थी, मतलब ये Arundhati Roy ने फिल्मों में भी काम किया था। एंड व्हाट रोल डिड शी प्ले, और किस भूमिका में ये नजर आई थी इन द फिल्म मासी साहिब। ये जो एक फिल्म बनाई थी मासी साहिब, ये किस भूमिका में, किस रोल में नजर आई थी। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ डिड शी मेक हर लिविंग इन दिल्ली। वो अपने खाने पीने, मतलब अपना जो गुजारा है वो किस तरह से करती थी जब वो दिल्ली में रहती थी। हाउ मच अमाउंट डिड शी रिसीव फॉर हर नॉवेल, और वो कितना अमाउंट उनको उसके नॉवेल के लिए मिला था। ये 4 क्वेश्चंस हैं। और ये 4 क्वेश्चंस हमको समझ में आ गया, और इसको हम देखते चलेंगे, मन में रखेंगे ये 4 क्वेश्चंस को, और हम
इस एक्सट्रैक्ट को पढ़ेंगे। ये मेरा तरीका है, पहले आप क्वेश्चंस पढ़िएगा, क्वेश्चन को ध्यान में बार बार, जितनी बार आपको पढ़ना पड़े आप क्वेश्चन पढ़िएगा, और लाइन बाय लाइन आप देखते जाइएगा। एक लाइन पढ़िएगा क्या कोई क्वेश्चन मिल रहा है, दूसरा लाइन पढ़िएगा क्या कोई क्वेश्चन मिल रहा है, तीसरा लाइन पढ़िएगा क्या कोई क्वेश्चन मिल रहा है। इस तरह से आप करते जाइएगा तो आपको बहुत ईजिली और बहुत कम समय में ये आपका काम हो जाएगा। बात पक आपको पकड़ में आ रही, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ओके, सो लेट्स स्टार्ट। अरुंधति रॉय द फेमस नॉवलिस्ट एंड एक्टिविस्ट हु वॉन द बुकर प्राइज In 1997 for her novel The God of Small Things. एक सेंटेंस पूरा हुआ, क्या इसमें से कोई क्वेश्चन यहाँ टैली कर रहा क्या? When or why did Arundhati Roy win the Booker Prize? टैली कर रहा, टैली कर रहा। कहता when, कब, कब, ये देखिए कब। Arundhati Roy एक फेमस नॉवलिस्ट और एक्टिविस्ट थी हु जिनने वॉन जीता था बुकर प्राइज 1997 में जीता था। तो हमारे पहले पार्ट का आंसर तो मिल गया सर, मिला नहीं मिला? व्हेन एंड व्हाई, व्हेन का आंसर मिल गया, अरुंधति रॉय कब बुकर प्राइज जीती थी, द बुकर प्राइज विन कब जीती थी 1997 में। मामला खत्म, एक पार्ट खत्म हो गया। विन द बुकर प्राइज व्हेन एंड व्हाई, बताओ व्हाई, क्यों जीती थी, क्यों जीती थी? फॉर हर नॉवेल, अपने नॉवेल, कौन से नॉवेल के लिए? द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। ये तो पहले सेंटेंस में हमारा पहला, पहले ही सेंटेंस पढ़ते पढ़ते इस पैराग्राफ का, इस एक्सट्रैक्ट का, हमको इस पहले क्वेश्चन का आंसर मिल गया। तो हम लिखेंगे कैसे, हमको लिखना भी ज़रूरी है, तो चलिए हम लोग देख लेते हैं हम उसको लिखेंगे कैसे। पहला क्वेश्चन आंसर, व्हेन एंड व्हाई डिड, हम लिखेंगे अरुंधति रॉय, यहाँ से अरुंधति रॉय, अरुंधति रॉय विन वॉन, तो बिकॉज ये पास्ट टेंस पूछ रहा, तो हम पास्ट टेंस में देंगे वॉन, वॉन विन का वॉन, वॉन द बुकर प्राइज, वॉन द बुकर प्राइज, है ना, उसने बुकर प्राइज जीता था इन 1997, ठीक है। ये तो पहला हो गया कि व्हेन जीता था, मतलब व्हेन मतलब कब जीता था 97 में, और क्यों जीता था व्हाई, फॉर हर नॉवेल, है ना, है ना, फॉर हर नॉवेल भी लिख सकते हैं, फॉर हर नॉवेल, फॉर हर नॉवेल, कौन सा नॉवेल के लिए? द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। कहानी पकड़ में आ रही आप, आपको दिख रहा क्या? चलिए बहुत अच्छी तरह से दिख रहा आपको। तो यही मैं कह रहा था दोस्तों, अरुंधति रॉय वॉन द बुकर प्राइज इन 1997 फॉर हर नॉवेल द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। ये दोनों इस कंप्लीट क्वेश्चन का आंसर हो गया, व्हेन एंड व्हाई, कब और क्यों। तो अरुंधति रॉय ने बुकर प्राइज कब जीता था, 1997 में जीता था, और क्यों जीता था, व्हाई, फॉर हर नॉवेल द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। एक लाठी में सांप खत्म, मींस पहले बिल्कुल सेंटेंस में हमारा पहला क्वेश्चन क्लियर हो गया। क्लियर है सर? चलिए बहुत अच्छी बात है, हमारा पहला क्वेश्चन खत्म हो गया। अब हम दूसरे की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर टू। देखिए हमने अभी पूरा का पूरा नहीं पढ़ा, हमने पूरा का पूरा पैराग्राफ नहीं पढ़ा है सर। हमने क्या किया, क्वेश्चंस को पढ़ा, फिर एक लाइन, एक सेंटेंस पढ़ा, अब अगला सेंटेंस पढ़ेंगे, फिर हम पहला का तो आंसर हमको मिल गया, अब तीन क्वेश्चंस को मन में रखेंगे और चेक करेंगे कि हमको कहां पर हमारी बात पूरी हो रही है। चलिए हम आगे देखते हैं, यहां तक तो हो गया कि अरुंधति रॉय फेमस थी, नॉवलिस्ट थी, जो एक्टिविस्ट भी थी, जिन्हें बुकर प्राइज जीता था 1997 में, और किसके लिए जीता था, वो अपने नॉवेल के लिए द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, क्यों लिखा है ना, क्लियर। चलिए अगला बोल रहा, राइट हर फैमिलियर बैकग्राउंड, उसकी फैमिली का बैकग्राउंड क्या था और वो कहाँ पैदा हुई, तो हम लोग देखते हैं पहले। शी वॉज बॉर्न इन शिलोंग, प्लेस ऑफ बर्थ मिल गया, वाओ, शी वा, देख कितना आसान तरीका है, क्वेश्चन पढ़िए उसके बाद आप
पैराग्राफ को पढ़िए और फिर उसका आंसर लिखिए। तो हमको एक चीज़ तो मिल गया ना कि उसका प्लेस ऑफ बर्थ कहाँ था, तो शी वॉज बोर्न इन शिलोंग ऑन नवंबर 24। तो ये प्लेस ऑफ बर्थ मांग रहा, हमको डेट ऑफ बर्थ नहीं मांग रहा। हम डेट ऑफ बर्थ नहीं भी देंगे तो कोई दिक्कत, नवंबर 24 नहीं भी देंगे तो कोई दिक्कत नहीं, हमको मांग रहा प्लेस ऑफ बर्थ कि वो पैदा कहाँ पर हुई थी, रहा प्लेस ऑफ बर्थ, तो हम लिख देंगे कि वो कहाँ पैदा हुई थी। ओके, अब पूछ रहा राइट हर फैमिलियल बैकग्राउंड, तो अभी हम आगे भी देखते हैं। ये तो हमको मिल गया कि उसका प्लेस ऑफ बर्थ कहाँ था, शिलोंग, ठीक है। ओके, 24/1961 टू अ केरलिक मदर एंड बंगाली फादर, मिल तो गया। फैमिलियल बैकग्राउंड क्या था, उसकी फैमिली में मम्मी क्या थी, मम्मी कहाँ से थी, पापा क्या थे, पापा कहाँ से थे, वही उसका फैमिलियल बैकग्राउंड हुआ। तो उसकी मम्मी थी केरला से और उनके पापा थे बंगाल से। ओके, और उनने अपनी चाइल्डहुड को, अपने अपने बचपना को कहाँ बिताया था, एमनम केरला में। तो यही चीज़ हमको लिख देना है सर। तो राइट हर फैमिलियल बैकग्राउंड एंड प्लेस ऑफ बर्थ, तो हम लिखेंगे शी वॉज बॉर्न, यही लिखेंगे पूरा, शी वॉज बॉर्न। वह बहुत आसान है, कुछ भी नहीं करना, फ्री के नंबर, थोड़ा मोड़ा इधर हुआ नो प्रॉब्लम, बट आंसर देखिए जो जो चेक करता है ना वो देखता है कि एटलीस्ट बच्चे ने क्वेश्चन को समझा है क्या, पकड़ा है क्या, थोड़ा मोड़ा ग्रामर, बट डोंट वरी फॉर दैट, आप क्वेश्चन को पकड़िए उसमें आपको नंबर मिल जाएगा। शी वॉज बॉर्न इन शी वॉज बॉर्न इन शिलोंग, इन शिलोंग, वो शिलोंग में पैदा हुई थी। अब आपको डेट देना है दीजिए, नहीं देना है मत दीजिए, क्योंकि यहाँ डेट मांगा नहीं है तो हम नहीं देते, नहीं मांगा तो नहीं देते। शी वॉज बोर्न इन शिलोंग, हर मदर वॉज फ्रॉम केरला, केरला क्यों नहीं लिखा ना, टू अ केरलिक मदर, उसकी मम्मी कहाँ से थी, केरला से, है ना। हर मदर वाज, इसको ऐसे कर देते, हर मदर वाज फ्रॉम केरला एंड फादर फ्रॉम बंगाल। ओके, यही है उसका फैमिलियल बैकग्राउंड, फादर फ्रॉम बंगाल। शी स्पेंट, है ना, कहाँ, वो अपनी चाइल्डहुड कहाँ बिताई, वो उसको भी लिख देना है। शी स्पेंट हर चाइल्डहुड विद हर मदर, नहीं लिखा हुआ है, विद हर मदर, इन, अपने माँ के साथ बिताया था। शी स्पेंट हर चाइल्डहुड इन अमन, है ना, इन केरला विद हर मदर, हम लिखेंगे शी स्पेंट हर चाइल्डहुड विद हर मदर इन 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 आयमन, आयमनम, आगे कुछ नहीं लिखना, हो गया मेरा क्वेश्चन पूरा, हो गया। राइट हर फैमिलियल बैकग्राउंड एंड प्लेस ऑफ बर्थ, तो सर हमने यहीं से अगले ही से हमने क्या लिखा कि वो बॉर्न कहाँ हुए थे, शिलोंग में, उनकी मम्मी केरला से थी, उनके पापा बंगाल से थे, उन्हें अपनी अपनी अपना जो बचपन है माँ के साथ बिताया था कहाँ पे, एमनम, इन एमनम केरला। अब ये केरला भी लगा सकते हैं, कॉमा डाल के केरला लगा दीजिए, ज़्यादा अच्छा है, केरला, ओके, एमनम केरला, क्लियर है। तो ये हमारा दूसरा क्वेश्चन भी ख़त्म होता है। अब देखिए बात समझ रहे ना, हम कैसे कर रहे हैं, ये तरीका है सर करने का, बेस्ट वे है करने का, पहले आप क्वेश्चंस को पढ़िए, फिर ऊपर से आप पैराग्राफ को कर लीजिए, मोर और लेस हो जाएगा, आपको ग्रामर नहीं भी आता परेशान होने की जरूरत नहीं है, वहीं से आप उठा करके उसको ध्यान रखिए, पास्ट टेंस में उसको लिख दीजिए, बिकॉज ये पास्ट टेंस में क्वेश्चन पूछा रहता है, आप जो भी पूछा रहे हैं उस तरह के हिसाब से कर लीजिए। अब देखिए तीसरा बोल रहा, व्हेन डिड शी पास्ट टेंस में पूछ रहा है, व्हेन डिड शी बिगिन हर फिल्म करियर, कहते हैं कि उसने अपनी फिल्म करियर की शुरुआत कहाँ से की थी। अब हमको देखना फिल्म करियर कहाँ पर है, फिल्म करियर देखें कहाँ पर है, फिल्म करियर, चलिए हम लोग पढ़ते हैं आगे। हाँ, केरला, शी लेफ्ट केरला फॉर दिल्ली एट द एज ऑफ 16, 16 साल की उम्र में उन्हें केरला, दिल्ली के लिए वो रवाना हो गए, कहाँ से, केरला से, क्लियर है। एंड मेड अ लिविंग बाय सेलिंग एम्प्टी बॉटल्स, और दिल्ली में वो अपना खान पान का जुगाड़ या उसका खाने पीने का इंतजाम कैसे करती थी,
खाली बोतलों को बेचकर करते थे, एम्प्टी बोतल्स को, कहाँ? दिल्ली में। हाँ ये भी तो हमारा क्वेश्चन है, ये भी तो हमारा क्वेश्चन है, कहाँ पर? हाउ डिड शी मेक हर लिविंग इन दिल्ली? दिल्ली में वो अपना अपनी जिंदगी का चलन जो है आपको किस तरह से चलाती थी, वही खाली बोतलों को बेचकर, मिल गया। हाउ मच अमाउंट डिड शी रिसीव फॉर हर नोबेल? अभी हमको इसका आंसर नहीं मिला, हमको इसका आंसर मिल चुका है, हमको इसका आंसर हमको मिल चुका है। वो हमको इसका आंसर कहाँ मिला है सर? आपको इसका आंसर मिला है मेड लिविंग बाई सेलिंग एम्प्टी बॉटल्स इन दिल्ली, इसका आंसर तो हमको मिल गया। इसका आंसर हमको मिल गया जो कि हमको फोर्थ में दिया हुआ है, क्लियर है? हम इसको फोर्थ यहाँ लिख देते हैं, हमको फोर्थ का आंसर हमको मिल गया, ठीक है? हम बाद में यूज करते हैं। शी स्टडीड आर्किटेक्चर इन दिल्ली, उन्हें दिल्ली में आर्किटेक्चर की पढ़ाई की, पर डिड नॉट टेक इट अप एज ए प्रोफेशन, और फिर उन्हें आर्किटेक्चर में कोई अपना प्रोफेशन नहीं लिया। ओके ओके। इन 1984 शी बिगेन अ ब्रीफ करियर इन फिल्म्स, मिल गया सर? ब्रीफ करियर इन फिल्म्स, यही तो था ना फिल्मी करियर, कहाँ? हर फिल्म करियर मिल गया। हाँ कहता है कि व्हेन डिड शी बिगिन, कब उन्होंने शुरू किया था फिल्म करियर को, ये देखिए, ये देखिए है ना, शी बिगेन इन 1984 शी बिगेन अ ब्रीफ करियर इन फिल्म्स, मिल तो गया, मिल गया। उनने अपने करियर की शुरुआत कब की थी? फिल्म से 1984 में की थी, 1984 में उनने फिल्म। एंड व्हाट रोल डिड शी प्ले इन द फिल्म मासी साहेब? फिर इसमें दूसरा क्वेश्चन आ गया कि मासी साहेब जो फिल्म थी उसमें उसने क्या रोल अदा किया था? एक एक तो आपको यहां से मिल गया। अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ हर हस्बैंड, हस्बैंड के इन्फ्लुएंस में, हस्बैंड के प्रभाव में मैं आकर के उनने फिल्मों में काम किया था जो 1984 में उसने शुरू किया था। ओके उसका उसके जो हस्बैंड थे वो एक फिल्म में करते, फिल्म बनाते थे। शी प्लेड द रोल ऑफ अ विलेज गर्ल इन द अवार्ड विनिंग मूवी मासी साहिब, मिल गया। तो ये रहा मासी साहिब, ये रहा मासी साहिब में कौन सा रोल उसने अदा किया था? ये रहा शी प्लेड द रोल ऑफ अ विलेज गर्ल इन द फिल्म मासी साहिब, मिल गया, मिला नहीं मिला? चलिए तो अब हम इसको लिख लेते हैं, ये वाला पूरा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड की हम लोग बात कर लेते हैं। व्हेन शी टी बिगिन हर फिल्म करियर, तो कब शुरू किया था उसने अपना फिल्म करियर? यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, एरा फिल्म करियर इन 1984, तो हम लिखेंगे शी बिगेन, शी बिगेन, हम ऐसे लिखेंगे शी बिगेन हर फिल्म करियर, शी बिगेन हर फिल्म करियर करियर इन इन 1984, शी बिगेन हर फिल्म करियर इन 1984, वही पूछ रहा है कि व्हेन डिड शी बिगेन हर फिल्म करियर इन 1984, हो गया आंसर खत्म, ठीक है सर, गुड। अब बोल रहा है एंड व्हाट रोल डिड शी प्ले इन द फिल्म मासी साहिब, ये रहा मासी साहिब में क्या रोल प्ले किया था? शी प्लेड, तो ये लिख देंगे पूरा, शी प्लेड, ये रहा पूरा पूरा वही लिख देंगे, शी शी प्लेड, शी प्लेड द रोल, यही पूरा पूरा पूरा, द रोल ऑफ ए, रोल ऑफ ए विलेज गर्ल, रोल ऑफ ए विलेज गर्ल इन इन और सिंपल इन द फिल्म, इन द फिल्म, इन द फिल्म मासी, मासी साहिब, क्लियर है सर? आपको दिख रहा है क्या? हाँ बिल्कुल दिख रहा। शी बिगेन बी जी एन बिगेन, आपको दिख रहा होगा, शी बिगेन हर फिल्म करियर इन 1984, ये 19 है, हमने यहीं से लिखा है 1984 में उसने फिल्म करियर शुरू किया था, 1984 में फिल्म करियर शुरू किया था। एंड कौन सा रोल प्ले किया था? तो यहाँ देखिए लिखा हुआ है शी प्लेड अ रोल ऑफ विलेज गर्ल इन द अवार्ड विनिंग मूवी मासी साहब, हमने अवार्ड विनिंग नहीं लिखा क्योंकि हमको हमको अवार्ड विनिंग टाइप का कुछ लिखा हुआ नहीं है, तो हमको टू द पॉइंट सटीक आंसर लिखा, शी बिगेन हर फिल्म करियर इन 1984, शी प्लेड द रोल ऑफ ए विलेज गर्ल इन द फिल्म मासी साहिब, ये हमारा तीसरा भी हमारा क्लियर हो गया। अब हम चौथे की बात कर रहे हैं सर,
चौथा क्या बोल रहा, हाउ डिड शी मेक हर लिविंग इन डेली, अभी हमने फोर्थ का दिया था, देखो मेड अ लिविंग बाय सेलिंग एम्प्टी बॉटल्स, कहाँ, डेली में, जब वो केरला से डेली आई थी, केरला से जब वो डेली आई थी तो वो मेड हर लिविंग, वो अपना जिंदगी बसर करती थी कैसे, बाय सेलिंग एम्प्टी बॉटल्स। एक एक पार्ट का तो हमको मिल चुका है, हाउ मच अमाउंट डिड शी रिसीव फॉर हर नॉवेल, वो अपने नॉवेल की, ये हमको दूसरा पार्ट है कि वो कितना अमाउंट लेती थी या उसको मिलता था उसके नॉवेल के लिए, तो अभी हमको मिला नहीं है, तो हम लोग आगे पढ़ लेते हैं। शी बिगेन राइटिंग हर नॉवेल, शुरू किया 1992 एंड फिनिश्ड इन 1996, 1992 में शुरू किया अपना नॉवेल, 1996 में उसको पूरा कर दिया। शी रिसीव्ड हाफ ए मिलियन पाउंड्स एज एडवांस फ्रॉम द पब्लिशर्स, भाई बोलना हाउ मच अमाउंट डिड सी रिसीव फॉर हर नॉवेल, देखिए उसके नॉवेल के लिए रिसीव्ड हाफ ए मिलियन पाउंड्स, हो गया दोनों का आंसर हमको मिल गया। हम पहला वाला लिखते हैं पहले, हाउ डिड शी मेक हर लिविंग, तो शी मेड, बिकॉज पास्ट टेंस है, हम यहाँ शी मेड लिखेंगे, शी मेड हर लिविंग, LIVING, शी मेड हर लिविंग बाई, शी मेड हर लिविंग बाई सेलिंग एम्प्टी बॉटल्स, यहाँ देखिए है ना, बाई सेलिंग एम्प्टी बॉटल्स इन दिल्ली, क्लियर है, शी मेड हर लिविंग बाई सेलिंग एम्प्टी बॉटल्स इन दिल्ली, है ना, मेड अ लिविंग बाय सेलिंग एम्प्टी बॉटल्स इन दिल्ली, जब वो दिल्ली आई थी। एक एक तो हो गया खत्म, हाउ मच अमाउंट डिड शी रिसीव, तो शी रिसीव्ड, डिड हटेगा तो हम यहाँ आई डी लगा देंगे, शी रिसीव्ड RECIVD रिसीव्ड हाफ ए मिलियन पाउंड्स सी रिसीव्ड हाफ ए मिलियन पाउंड्स है ना फॉर हर नॉवेल, हो गया नहीं हुआ, क्लियर हो गया, तो हमको ये चारों का जो हमको है दोस्तों आंसर मिल गया, कितना इजी था, बट ये तरीका बहुत इजी है, आप ये जो चार नंबर का जो फोर मार्कर है, ये चार नंबर का क्वेश्चन है, इजीली कर सकते हो, और ये बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन है, आप इसको करने में कुछ नहीं करेंगे, सबसे पहले आप पैराग्राफ को नहीं पढ़ेंगे, पहले आप क्वेश्चंस को पढ़ेंगे, फिर लाइन बाय लाइन आप इसको पढ़ेंगे, और फिर चेक करते चलेंगे कि हमको कहाँ मिल रहा है, जहाँ भी मिल रहा है आप उसको टिक लगाते चलेंगे, जैसे मैंने यहाँ टिक लगाया है, अंडरलाइन किया, अंडरलाइन करते चलेंगे, और फिर आप एक तरफ से सबका आंसर लिख लेंगे, ग्रामर की चिंता नहीं करना है, पास्ट टेंस में क्वेश्चन रहता है, डिड विड, ये जो डिड विड वगैरह है इसको हटा के सीधा इसमें वर्ब में ईडी या उसको सेकंड फॉर्म में लिख देना है, और परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, एक दो आप बार आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, हो जाएगा, मैं भी आपको दो चार इस तरह के और वीडियोस बनाकर आपको आपकी प्रैक्टिस करवा दूंगा, बट आप करिएगा तभी होगा, नहीं तो ये बहुत मुश्किल है। और रही बात इसके सेकेंड ऑप्शन की, तो वो है आपका प्रेसी राइटिंग, तो प्रेसी राइटिंग जो है वो थोड़ा सा इससे थोड़ा डिफिकल्ट है, क्योंकि उसको पूरा पढ़ना है, पूरा पढ़ के उसको छोटा करके उसको एक टाइटल देना है, ये मामला थोड़ा टेढ़ा है, बट ये ज़्यादा आसान है। आप सबसे पहला काम क्या करिए, क्वेश्चंस पढ़िए, चारों क्वेश्चंस पढ़िए, फिर क्वेश्चन पढ़ने के बाद आपको लाइन बाय लाइन इसको पढ़िए, फिर आप उसको मिलाते चलिए, कौन सा क्वेश्चन कहाँ पर हमको मिल रहा है, जहाँ आपको मिल जाए वो सेंटेंस को उठाइए, उसका थोड़ा सा ध्यान रखिए टेंस वेंस का, और फिर लिख दीजिए, आप यकीन मानिए ग्रामर का ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आपको ये क्वेश्चंस इजीली सॉल्व हो जाएगा, मैं यकीन करता हूँ कि आप मेरे बच्चे इसको कर लेंगे। चलिए, ये सेशन आपको कैसा लगा, ये आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और आपको क्या चाहिए वो भी हमें ज़रूर बताइएगा, और जिस तरह के आपके क्वेश्चन चाहिए हमें कमेंट करके अगर बताइएगा तो हमें पता चलेगा कि मेरे बच्चों को क्या चीज़ चाहिए, उसी तरह का हम वीडियोज हम फिर आपके सामने लाएंगे। बहुत सारे बच्चों ने कमेंट किया था कि सर आपने जो भी क्वेश्चन करवा रहे ग्रामर जो भी हो रहा है, बट आप ये एक जो कॉम्प्रिहेंशन है ये थोड़ा एक बार एक दो आप हमें ज़रूर बताइएगा, ताकि हमको ये बातें सारी करने में बोर्ड में आसानी हो। सबसे पहली बात है दोस्तों, प्रैक्टिस 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 विल मेक यू परफेक्ट, नथिंग इज देयर
मोर देन दिस प्रैक्टिस, प्रैक्टिस करेंगे आपको ये आपको परफेक्ट बनाएगा, यही आपको एग्ज़ाम में मदद करेगा। आप प्रैक्टिस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और दो चार को और हमें करके फिर हमें बताइएगा कि आपको कितना चीज़ आपको बात पकड़ में आई, मेरी बात आपको कितनी पकड़ में आई, कि पहले क्वेश्चंस पढ़ना है फिर आप यहाँ पढ़ना है, मिला मिला के देख करके फिर आपको आंसर लिखना है, ये आपको ज़्यादा आसान लगेगा। चलिए इसी के साथ मैं इसको क्लोज़ करता हूँ। अच्छा लगे वीडियो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, बहुत मेहनत लगता है दोस्तों बनाने में, आप मेहनत तो हमें भी इसका सिला ज़रूर दीजिएगा, हमें खुशी होगी, हमें एक तरह का जोश मिलेगा, हम नया वीडियोज़ काफ़ी जोश के साथ बनाएंगे, चूँकि जब आप हमें हमारा हमारा हमको उत्साह उत्साह आप हमें दिया उत्साहित करते हैं, आप हमको लाइक करके जब हमको उत्साहित करते हैं तो हमें भी काम करने का मन और ज़्यादा बिल्कुल करता है। तो चलिए हमें ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, और सब्सक्राइब जो लाल बटन है उसको दबाकर ज़रूर कीजिएगा। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते मैं जानता हूँ, आप लोग देख लेते हैं लेकिन सब्सक्राइब करते नहीं, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, इसमें पैसा नहीं लगता है, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है। लाल वाला बटन जो है वो जो बेल वाला आइकन है उसको भी दबा दीजिएगा, और जितने भी हम जो भी वीडियोज़ हम अपलोड करेंगे, जो भी आपके इससे सिलेबस से कंसर्निंग या और भी कोई अगर हम अपलोड करेंगे तो आपको ईजिली इसका नोटिफिकेशन मिल जाया करेगा। चलिए दोस्तों इसी के साथ आप प्रैक्टिस करते रहिए, एग्ज़ाम का टाइम बिल्कुल नज़दीक है, आप कुछ नया नहीं पढ़ना, प्रैक्टिस 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 और कुछ नहीं करना, ठीक है, यही है मूल मंत्र आपके सक्सेस पाने का या सक्सेसफुल होने का। चलिए बहुत ही जल्दी आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक टेक केयर, बाय।